हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसल ब्लोइंग के बारे में। हम विसल ब्लोइंग के बारे में जानेंगे, इसके की पॉइंट्स, इसके एडवांटेजेस और की एडवांटेजेस, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम विसल ब्लोइंग की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारे आउटलाइंस क्या हैं सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे विसल ब्लोइंग के बारे में, विसल ब्लोअर के बारे में, इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और विसल ब्लोइंग की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सम फेमस विसल ब्लोअर्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो अपनी वीडियो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो विसल ब्लोइंग बेसिकली होता क्या है? विसल ब्लोइंग को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है, ठीक है, पूरा आप उस कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब आप जानते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत से वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, सब मैनेजर और हाई अथॉरिटी भी है, सीईओ भी है, ठीक है, इस तरह के बहुत से डिफरेंट लोग भी काम करते हैं कंपनी में अंदर, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल कि उस कंपनी के अंदर कुछ इलीगल रॉन्ग डूइंग काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो बैन हो सकता है, ठीक है, या तो फिर वो अल्कोहल वगैरह की स्मगलिंग वगैरह हो सकती है, या कुछ ऐसा जिसकी तरफ से गवर्नमेंट ने परमिशन ना दी हो, या वो इलीगल हो सकता है, करप्शन वगैरह का कोई केस हो सकता है, ठीक है, यानी इन शॉर्ट वो रॉन्ग डूइंग है और आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको इस बारे में कुछ पता चल जाता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप बाहर किसी मीडिया को या किसी एजेंसी को बता देते हैं इस बारे में। तो इस सारे प्रोसेस को विसल ब्लोइंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आता हूं। तो विसल ब्लोइंग होता क्या है? व्हेन अ फॉर्मर और द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द अनएथिकल एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग, ठीक है। यानी कि आप उस कंपनी के काम करते होंगे, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का जो वर्ड है उसके ऊपर आप गौर कीजिए। इसका मतलब है कि आप कोई बाहर का बंदा, अगर किसी को बाहर का कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो नॉन एम्प्लॉय है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम नहीं करता और वो उसको कोई बात पर चल जाती है और वो लीक आउट करता है, तो वो विसल ब्लोइंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। विसल ब्लोइंग के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है, कंपनी का कोई अंदर का बंदा होना चाहिए, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसको किसी इलीगल वर्क के बारे में, कंपनी के बारे में पता चलेगा और वो किसी बाहर मीडिया या फॉर एग्जाम्पल आर्मी या किसी एजेंसी को बता देगा इसके बारे में, जो इसके ऊपर वर्कआउट आफ्टर दिस करेगी, ठीक है। अब विसल ब्लोइंग इज अ टर्म यूज व्हेन अ वर्कर और एम्प्लॉय पासिस ऑन इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग रॉन्ग डूइंग, यानी किसी गलत काम के बारे में उसे अगर पता चल जाता है एम्प्लॉय को, वर्कर को, तो वो बाहर लीक आउट कर देता है। इन दिस गाइडेंस वी कॉल दैट मेकिंग अ डिस्क्लोजर। अब ये मेकिंग अ डिस्क्लोजर क्या होता है? मेकिंग अ डिस्क्लोजर का मतलब है कि यू रिवील इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रीवियसली नोन, यानी पहले नहीं पता होता किसी को, ठीक है, बाहर के किसी को बंदे को तो नहीं पता, ठीक है, बिकॉज इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन और बिकॉज इट्स कीप बीइंग केप्ट सीक्रेट, ठीक है। अब विसल, इसके बारे में आता है विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर क्या होता है, ठीक है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो विसल ब्लोअर द पर्सन हु रेज हिज वॉइस इज कॉल्ड अ विसल ब्लोअर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर एक आप हैं, ठीक है, आपने, आपको किसी इलीगल रॉन्ग डूइंग के बारे में पता चला और आपने बाहर की बात लीक आउट कर दी मीडिया को, एजेंसी को या आर्मी को, तो आप विसल ब्लोअर कहलाएंगे, ठीक है। अब विसल ब्लोअर इज अ पर्सन यूजुअली एन एम्प्लॉय, यानी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो काम करता होगा, एम्प्लॉय होगा वहाँ का, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, या कोई हायर अथॉरिटी का भी बंदा हो सकता है, ठीक है, हु एक्सपोजेस इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटी विद इन अ प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीम्ड इलीगल, इलिसिट। इलिसिट का मीनिंग होता है अनलॉफुल, यानी कि जो लीगल ना हो, यानी इलीगल हो या गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन ग्रांटेड ना हो। Involving activities that are not considered morally acceptable, unsafe or a waste, fraud or abuse of taxpayer funds, ठीक है, corruption हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, bullying हो सकती है, health and safety violation हो सकती है, यानी users के private information भी leak की जा सकती है, ठीक है, absent discrimination are common activities highlighted by whistleblowers, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, whistleblowing है कि illegal workout के work के बारे में आपको पता चल जाए और बाहर आप leak कर दें, और जो बंदा ये करता है, जो employee इस बात को लीक करता है आर्मी या किसी एजेंसी को, वो विसल ब्लोअर कहलाता है, ठीक है। अब इसकी सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल मोबाइल कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता चलता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, जो जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपने एक लॉन्च किया है, आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और वो सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ कर रहा है हमारी कंपनी, उसको लीगल, वो उसको जो रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन यूज़र्स की, वो डार्क वेब या इस तरह की किसी भी वेबसाइट के ऊपर लीक आउट कर रही है, ठीक है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, आपके यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल डाटा वो सिक्योर नहीं है, लीक आउट हो रही है। और ये साफ सी बात है, एक कंपनी का सबसे रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होना, हर कंपनी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसकी जो जितने भी यूजर्स हैं उनकी तमाम जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, उनका पर्सनल डाटा है, वो सिक्योर रहे। अगर वो सिक्योर नहीं रख पाती तो ये गलत बात है। और अगर आपकी कंपनी ये तमाम बातें लीक आउट कर गया, इंफॉर्मेशन डार्क वेब या इस तरह की किसी भी वेबसाइट के ऊपर लीक आउट कर गया, तो इसका मतलब ये डोंग डोइंग है और आपको इसके बारे में पता चल जाता है। आप क्या करते हैं, आप बाहर किसी मीडिया में इस बात को रिवील कर देते हैं, ठीक है, आप उनको बताते हैं या किसी एजेंसी को बता देते हैं, तो ये विसल ब्लोइंग के रहेगा प्रोसेस और आपको विसल ब्लोअर कहा जाएगा, ठीक है। या इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो कंपनी है वो कुछ ऐप्स बना रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ गेम्स हैं, ठीक है, जिस तरह पबजी वगैरह गेम्स हैं, ठीक है, इस तरह की गेम्स के अंदर कुछ वायरस रखे गए हैं जो कि जो भी ये अपने कंप्यूटर लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल करता है उसके कंप्यूटर में भी वो वायरसेस आ जाते हैं। तो साफ सी बात है आपकी इस आपका क्या होगा, या तो आपका डाटा करप्ट हो जाएगा या लीक हो जाएगा, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम नहीं करेगा, पीसी क्रैक हो जाएगा, इस तरह ये तमाम बातें हो गई, ठीक है। तो आप क्या कहलाएंगे, विसल ब्लोअर, आपको इन बारे में पता चल जाता है और आप बाहर ये बात लीक कर देते हैं कि ये कंपनी इस तरह के गलत काम कर रही है, ठीक है, और आप ये बातें लीक कर देते हैं मीडिया में, एजेंसी में, बाहर किसी को भी, ठीक है। तो ये आप विसल ब्लोअर कहलाएंगे और इन्फॉर्मेशन लीक हुई या ये गलत बात है, अनसिक्योर सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया गया, तो ये सारा प्रोसेस को विसल ब्लोइंग कहते हैं, ठीक है। अब सम फेमस विसल ब्लोअर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये कुछ मेरे पास नेम्स हैं, ठीक है, 1973 में, 1974 में कैरन सिल्कवुड और हेनरी है, ठीक है, स्टैनली, ये कुछ सम फेमस विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील की थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ विसल ब्लोइंग क्या हो सकती है। इट कैन डिस्ट्रॉय द कंपनी। अब मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसकी हिसाब से बात है इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड में, आपकी कंपनी को अब सबसे पहले उसके अंदर कुछ अलग गलत काम हो रहा है, आपने वो रिवील कर दिया, ठीक है, आपने, तो बाहर वालों को पता चल जाएगा कि यार ये वाली कंपनी तो अच्छा वो तो उनके प्रोडक्ट्स ही नहीं यूज़ करेगी, ठीक है, और रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, आपकी कंपनी के कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगी, कोई ऐप्स वो वाले डाउनलोड नहीं करेगी, डिमिनिश ट्रस्ट इन वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, अब आप विसल ब्लोअर हैं, ठीक है, और आपने दूसरों को बता दिया इस तरह, तो आपका जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ के भी लोगों को जब पता चलेगा कि ये इस एम्प्लॉय ने ये हमारी ये बात लीक आउट की है, तो साफ सी बात है आपका भी ट्रस्ट लूज होगा, ठीक है, और कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर कैरियर, आपका कैरियर भी खतरे में पड़ जाएगा, आपकी प्रोमोशन रोक दी जाएगी क्योंकि आप पे हायर अथॉरिटी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उस आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपने उनकी बात लीक आउट की है, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस ऑफ विसल ब्लोइंग है, ठीक है। इससे कंपनी को नुकसान भी ये हो सकता है कि साफ सी बात है आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना कर सकता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा उसको, आपकी कंपनी जिसे कहते हैं डूब जाएगी, आपको लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पे कोई आपकी कंपनी पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा, आपके आपके कैरियर को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस से अब हम एडवांटेजेस ऑफ विसल ब्लोइंग के बारे में जानते हैं। इट लीड्स टू गुड रिजल्ट, ठीक है, ये फायदेमंद भी हो सकती है। अब इस आप साफ सी बात है कि कुछ कंपनी के अंदर कुछ गलत काम हो रहा था और आपने उसको सीक्रेट रिवील कर दिया, ठीक है, डिस्क्लोजर किया, तो साफ सी बात है जो यूज़र्स हैं जो उन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे, साफ सी बात है उनकी जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा, वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। सेवरल डैमेज टू द एनवायरनमेंट कैन बी स्टॉप बाय टेकिंग प्रॉपर एक्शंस। अगर आप फॉर एग्जांपल हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि इस तरह ये इन्फॉर्मेशन अनसेफ है इनके पास, ठीक है, तो यूजर्स को फायदा होगा, ठीक है, ज़्यादा खतरे से बचा जा सकता है, ठीक है। द एक्शंस ऑफ विसल ब्लोअर्स आर पोटेंशियली बेनिफिशियल टू द सोसाइटी और बिजनेस डैट इंगेज्ड इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैव बीन शट डाउन, यानी कि जो गलत अनएथिकल काम होगा, जो लीगल नहीं होगा या बाय गवर्नमेंट परमिटेड नहीं होगा, उनको रोका जा सकता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ विसल ब्लोइंग थे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली जो वीडियो होगी, आज की वीडियो में हमने विसल ब्लोइंग के बारे में जाना, विसल ब्लोअर के बारे में जाना, एडवांटेजेस के बारे में जाना, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कि यानी विसल ब्लोइंग आप कुछ आपकी कंपनी में कुछ इलीगल काम हो रहा है, ठीक है, आप उसको रिवील कर देते हैं, आप विसल ब्लोअर के लेंगे, इस प्रोसेस को विसल ब्लोइंग कहते हैं, ठीक है। इससे आपकी कंपनी को फायदा भी हो सकता है और आपके कैरियर यानी खतरा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और खतरा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने दोनों टर्म्स में आपको एडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों बताया, ठीक है। सो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जानेंगे विसल ब्लोइंग की टाइप्स क्या होती है, एनोनिमस, पर्सनल, गवर्नमेंट, ये सारी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपने वो भी विसल ब्लोइंग की वीडियो जरूर वॉच करनी है जिसके अंदर मैं विसल ब्लोइंग की टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।